फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए ले आता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और काफी सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए ले आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन जो आया हुआ है जेके बैंक की तरफ से। तो हम देख लेते हैं ये जॉब नोटिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास आई हुई है जेके बैंक में, कौन कौन इसको फिल कर सकता है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इस फॉर्म को फिल कैसे करें। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सबमिशन डेट है वो 15/12/2020 टू 31/12/2020 है। दैट मीन 15 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 31/12/2021 तक इसकी लास्ट डेट है। तो आपको इससे पहले पहले ये फॉर्म भरने हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरने हैं या ऑफलाइन भरने हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन फिल करने हैं, ठीक है। तो आपको कैसे फिल करने है वो भी मैं सारी चीजें बता दूंगा। तो आपको वीडियो जो है एंड तक देखनी है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये खाली जो है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जो पर्सन जो है जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं खाली, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अदर बाहर के जो स्टेट्स हैं वो नहीं फिल कर सकते, बाहर के स्टेट्स के पर्सन इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कुछ खास नहीं है फिर भी देख लेते हैं। तो जो आप अगर इस फॉर्म को भरने जा रहे हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट मींस एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद हम बात करें जो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप फी डिपॉजिट करोगे, ऑनलाइन फी डिपॉजिट करोगे। उसके बाद हम बात करें तो जो रेफरेंस है वो आप जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट है यहाँ पे दी हुई, इसको रेफर कर सकते हैं और यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं, लिंक रेगुलरली चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मेन हमने देखना था कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर डिटेल है वो हम देखेंगे। इसमें 5 वैकेंसीज आपके पास हैं और हम बोलेंगे पोस्टिंग, तो पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, किसी भी जम्मू कश्मीर के बैंक में हो सकती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे वो अदर स्टेट में हो, तो वो कहीं पे भी हो सकती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एज की, तो इसके लिए जो है 25 to 40 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब इसके बीच की ही एज आपकी होनी चाहिए। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का नाम है इक्विवेलेंट टू, जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट है टू सीनियर एग्जीक्यूटिव स्केल थर्ड ऑफिसर के। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे कुछ पे स्केल दी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन जो हम बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम होता है वो पास होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसको 3 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होगा, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर। तो जो जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है इन फील्डों में उसको जो है अपना प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद हम जॉब रोल्स की बात करेंगे, अगर आप इस जो पोस्ट है ये वैकेंसी है इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सारी जॉब्स करनी है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कौन कौन सी जॉब करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप की वैकेंसी है सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर की हमारे पास 8 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज है इसमें हम बोले, तो पोस्टिंग इसमें भी आपकी कहीं पे भी हो सकती है। इसमें भी जो एज लिमिटेशन है 25 से 40 है। उसके बाद हम बात करते हैं ये पोस्ट जो है इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव स्केल सेकंड ऑफिसर की है, पे स्केल यहाँ पे दी है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दैट मीन बी या बी टेक होना चाहिए सिविल में, या फिर बी आर्किटेक्चर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या तो फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल में या फिर आर्किटेक्चर में, तो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो क्या क्या होना चाहिए, 4 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 4 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन इन रियल स्टेट, ठीक है, वैल्यूएशन में, इन रियल स्टेट में वैल्यूएशन में आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके अलावा
आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट में, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक भी चीज आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास है इनमें से कुछ चीजें हैं तो आपको वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं, प्रेफरेंस में बी गिवन टू एप्लीकेंट्स विद गुड स्टैंडिंग इन एनी ऑफ द रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर एसोसिएशन, ठीक है। तो मतलब वैल्यूएशन के लिए आपको रखा जाएगा, तो वैल्यूअर एसोसिएशन से अगर आपका है गुड अंडरस्टैंडिंग है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट प्रोसेसिंग वेल प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड बिलो अबव गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाले चीजें हैं तो आपको इसमें भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेल प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जॉब रोल्स हैं इनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी जॉब लगने के बाद ही आपके जॉब रोल्स होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, वैसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी 8 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, और इसमें भी एज लिमिटेशन 25 से 40 ईयर्स है। इसमें हम बात करें, ये पोस्ट है इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव स्केल सेकंड ऑफिसर की, इसमें पे स्केल यहाँ पे दी है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, ठीक है, बीटेक का भी मैकेनिकल आपके पास होनी चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर ये नहीं है आपके पास मास्टर डिग्री है मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की, तो वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, बैचलर डिग्री अगर आपने की है उसके साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का, किस फील्ड में, वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के फील्ड में। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस सफिशियंट है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदर प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो मैंने बताए ऊपर वाले क्राइटेरिया ही यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम जॉब रोल की बात करें तो ये जॉब रोल्स हैं, ठीक है, ये आपको करना है आपको जब सिलेक्शन होगी। उसके बाद हम बोले कि ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और आपको जो फी पे करनी है वो 2500 फी पे करनी है आपने, ठीक है, टू बी पेड बाय द एस्पिरेंट एंड लिंक शैल बी अवेलेबल। तो लिंक जो है आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना जो स्टार्ट हो जाएगा वो 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के स्टाफ है उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो भी एम्प्लाई है स्टाफ है अगर वो इस फॉर्म को भर रहा है तो उसको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, इन जितनी भी मैंने 3 वैकेंसी बताई उसको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद हम बात करें, देयर विल बी ए 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो अब ऑलरेडी स्टाफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, सिविल मैकेनिकल इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट जिनने ऑलरेडी अप्लाई किया, एक नोटिफिकेशन निकला था जिसका नंबर यहाँ पे दिया है और उसकी डेट दी है वो 1/7/2020, ठीक है। तो अगर जिसने ये पहले से ही भर रखा है तो उसको कोई भी इसको दोबारा से भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर टर्म्स हैं तो ये हम देख लेते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फिर भी देख लेते हैं। तो जो इसको नहीं देखेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो कैसे आपका जो सिलेक्शन इसमें होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करें कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, उसके बाद उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे, उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, और उसकी सूटेबिलिटी मतलब वो जॉब को कर सकता है या नहीं कर सकता वो सूटेबिलिटी चेक करके तो आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आप ध्यान दें अगर आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा है, इंटरव्यू स्किल अच्छा है, क्वालिफिकेशन अगर आपकी
जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है, और एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है परफेक्टली हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, द सिलेक्शन शैल बी टेकन अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यू एज अंडर। तो हम बात करते हैं, द मॉडलिटीज फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी फाइनलाइज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि मान लो कितने आपके पास एप्लीकेंट रिसीव हुए, कितनी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई, वैकेंसीज कितनी है, वो सारा उस पर डिपेंड करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, फाइनल सेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अक्यूर्ड इन द कैंडिडेट इन द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स आए पर्सनल इंटरव्यू में वो देखा जाएगा। ठीक है, बैंक रिजर्व्स राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इसमें रिजर्वेशन की, तो इसमें कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, सारी जो कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है ओपन कैटेगरीज की है, तो इसमें कोई भी अपना रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर हम बात करें, अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितने भी आपने फॉर्म पे फिल करते टाइम डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, तो सारे आपको इंटरव्यू पे टाइम पे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल ले जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम बात करें तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पे सबमिट करने, यहाँ पे वेबसाइट दी है जम्मू कश्मीर बैंक की, और आपको कैरियर लिंक में जाना है। कैरियर लिंक में जाने के बाद आपको 15 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है, और 31 दिसंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकती है। तो आप कैसे भरें वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको, कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया कि आपको फॉर्म कैसे भरें, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है जेके बैंक, पी ए एन जेके बैंक लिखा, उसके बाद एंटर प्रेस कर लेना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे दिखाएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक की, www.jkbank.com, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब फॉर्म फिल करना, तो यहाँ करियर्स लिखा हुआ, करियर्स पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने करियर पे क्लिक किया, ये हमारे पास खुल जाएगी, जो वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसके बाद जहां पे ये तीन नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, तो आपको इस पे जाना है। आप यहां से इसको जब क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहां पे आपके पास ऐसा जैसा मेन्यू खुल जाएगा। यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपको जो भी फील्ड आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है आप उस पे जाके क्लिक करिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक न्यू विंडो मेरे पास खुल गई। न्यू विंडो खुलने के बाद मेरे पास कौन सी चीजें आती, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे है कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे एग्री करने के लिए बता रहा है, तो हमने क्या कर लेना, एग्री कर लेना। जैसे ही हम एग्री करेंगे, यहाँ पे हमसे पूछेगा आपकी स्टेट डिवीजन के बारे में पूछेगा। तो आपका जो भी डिवीजन है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, किश्तवाड़ है, पुलवामा है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, तो वो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये आया हमारा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये जो जम्मू कश्मीर में जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। किस भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एरिया के नजदीक होगा। उसके बाद कलेक्शन, जैसे इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन का हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये आ गया। उसके बाद कलेक्शन का हमारे पास ऑप्शन आया, यहाँ पे है अपील फॉर्म फी। ठीक है, तो यहाँ पे अपील फॉर्म फी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम जो है फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरे पास कुछ और विंडो खुलेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक विंडो खुल गई, यहाँ पे मेरे पास विंडो खुल गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको क्या करना है,
कैंडिडेट नेम यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और आपको जो है यहाँ पे जितनी भी डिटेल है सारी फिल कर लेनी है।